रजोस्वला महातेजा कामाक्षी धेयतां सदा। अब हम कुछ ही वक्त में कामाख्या शक्तिपीठ पहुंचने वाले थे, जहां तंत्र की भयंकर साधनाओं का दौर जारी था। वाम मार्गी साधकों के अलावा और भी पंथों, समुदायों के साधक विचित्र अनुष्ठानों के साथ माँ कामाख्या की साधना में जुटे थे। कुछ समय बाद हम भी एक ऐसे ही अनुष्ठान में शामिल हुए। इस मंदिर के गूढ़ शिल्प की तरह यहाँ की पूजा पद्धति भी बहुत गूढ़ है। जैसे कि माँ के दर्शन के बाद यहाँ हवन करने की प्रथा है, तो चलिए चलते हैं ऐसे ही हवन कुंड के पास, जहाँ पंडित दिवाकर शर्मा हवन कुंड के पास हमारा इंतजार कर रहे हैं। वाम मार्ग में जितने भी पुरुष साधक हुए हैं, उनकी साधना में स्त्रियों का विशेष योगदान रहा है। लेकिन क्या स्त्रियां भी इस मार्ग में पुरुषों के साथ चलकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस करती हैं? इसी रहस्य को समझने के लिए हम उस दिन कामाख्या शक्तिपीठ पहुंचे थे, जहां अब चारों तरफ रहस्यमय सिद्धियों का दौर जारी था। तांत्रिकों मांत्रिकों में अब जल्द से जल्द सिद्ध हो जाने की होड़ लगी थी। जब हम गुरु जी के पास यज्ञ स्थल पर पहुंचे, तो वहां विधि विधान के साथ पूजा अनुष्ठान शुरू हो गया था। हमने देखा कि एक पुजारी जी के साथ गुरु जी कुछ मंत्रों का उच्चारण न करके हवन सामग्रियों को केवल स्वाहा बोलकर आग देवता के हवाले कर रहे थे। बिना मंत्रों के उच्चारण के इस तरह यज्ञ का विधान मेरे लिए नया था, इसलिए मैंने इस रहस्य को समझने के लिए अनुष्ठान के दौरान ही गुरु जी से पूछा। गुरु जी, हम क्या कर रहे हैं? भगवती का अनुष्ठान है। यज्ञ पूर्ण होने पे भगवती का जो विधि विधान षोड़श उपचार जो साधन है वो पूर्ण होती है, तो भगवती का अंत में यज्ञ और उसके बाद कौमारी पूजन का विधान है। केवल बीज मंत्रों के साथ हो रहा वो विशेष अनुष्ठान फिर शुरू हो गया था। अब हवन संपन्न होना ही चाहता था कि मुझे एक और विचित्र क्रिया दिखी, वो ये कि हवन सामग्री में लाल पुष्प और सिंदूर भी शामिल किया गया था। ये क्रिया मेरे लिए बिल्कुल नई थी और रहस्यमय भी। ये पूर्ण आहुति और बाकी आहुतियाँ कितनी बार हुई? 108। जितना अनुष्ठान होता है तो उसका दशांश आहुति करनी पड़ती है, तो पूर्ण आहुति, उसके बाद कौमारी पूजन का भी, क्योंकि तो कौमारी का वाम मार्ग का सबसे बड़ा शक्ति का स्थल है। भगवती कौमारी स्वरूपी, कुल कुमारी भी भगवती, वो कौमारी स्वरूपी भगवती को कहा गया है, इसलिए इसके बाद कौमारी पूजन। अब मुझे वाम कुल का कुलाचार कुछ कुछ समझ में आने लगा था। शक्ति पूजा और उनके अनुष्ठान बाकी प्रचलित पद्धतियों से बिल्कुल अलग है। शिव और शक्ति की आदि सत्ता को समर्पित वाम मार्ग पर चलने वाले साधकों का कुलाचार अभी तक आम लोगों के लिए रहस्य था, क्योंकि तंत्र के मंत्र साधन की प्रक्रिया आदि काल से ही गुप्त रखी गई है। इसी वजह से अघोर तंत्र की दुनिया अब तक रहस्य बनी हुई थी,
लेकिन हमारा प्रयास है कि इस रहस्यमयी दुनिया का सच हम आप तक पहुंचा सके। ताकि तंत्र मंत्र को लेकर कुख्यात मान्यताओं से पर्दा उठ सके। हवन संपन्न होने के बाद अब एक और प्रमुख अनुष्ठान के लिए हमें जाना था, जिसे अघोर तंत्र में कौमारी पूजन के नाम से जाना जाता है। गुरुजी जब उस रहस्यमय अनुष्ठान के लिए निकले तो हम सोच रहे थे कि कुमारी कन्याओं के साथ शुरू होने वाला वो अनुष्ठान जाने कैसा होगा। वैसे मुझे इतना तो पता था कि पुराणों के मुताबिक अघोरियों के लिए कौमारी पूजन का विशेष महत्व है, लेकिन इस तंत्र विधान में भी कई भ्रांतियां व्याप्त हैं, जिनसे आज हम पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे। अघोर तंत्र में अभी बहुत कुछ बाकी है, कहीं जाइएगा नहीं। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। अघोरी साधक शमशान में गुप्त रूप से स्त्री लाशों के साथ संभोग करते हैं, जिसके लिए वो सुनसान शमशान में लावारिश मुर्दों का इंतजार करते हैं। उंगली खुजली ने प्लान बनाया क्विकली और पाइप दबाया क्वाइटली। रिफ्रेशिंग मिनी गन आज ली क्या? कोई जरूरत नहीं है जांच वांच कराने का। दो महीने भी नहीं हुए गर्भ, तू और तेरा बाप दोनों बिना जांच के हुए, उसके बाप भी और उनके। पर दादी, फिर ये कैसे पता चलेगा कि माँ और बच्चा दोनों ठीक है? चांस क्यों लेना, क्या चांस? वो देखो माँ, परसों से सुनती आती हूँ इसे ठीक कर दीजिए, कभी सिर पे गिर गया तो आज तक कुछ नहीं, कोई जांच कराने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं होगा। बहू जांच करा ले। प्रसव के पहले माँ की कम से कम चार बार जांच अवश्य कराएं, ये सेवाएं बिल्कुल मुफ्त है। चांस क्यों लेना है, चांस क्यों लेना। मैंने छत की भी मरम्मत करवा दी, आखिर चांस क्यों लेना। मेगा मॉल बनेगा, द बिगेस्ट इंडियाज एवर सीन। यहाँ स्टेडियम बनना चाहिए। चैरिटी के बारे में सोच रहे हैं? कभी तो ऐसा ख्वाब देखिए जिसमें हजारों ख्वाब शामिल। जब दूसरों के ख्वाब पूरे करोगे ना, तो अपना कल बनते देखोगे। कलम के सिपाही, सच्चाई के रक्षक, जनहित के रखवाले, मीडिया के धुरंधर, मुद्दों के जानकार, शोषण के विरोधी, पत्रकारिता के दिग्गजों की ओर से द मिड डे एक्टिविस्ट जल्द आ रहा है। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं अघोर तंत्र। अघोर तंत्र के कुछ और रहस्य भी खुलने बाकी हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक दिन रात के अंधकार में हमने इस बारे में गुरुजी से पूछा तो उन्होंने जो बताया उसे सुनकर हमारा दिमाग सन्न रह गया। हमें पता चला कि मुर्दों के साथ होने वाली वो भयानक क्रियाएं विसाच साधना कहलाती हैं, जिनका अघोर तंत्र से कोई लेना देना नहीं है। वो तंत्र साधना नहीं है, वो पेशाच साधना हो गई, निकृष्ट साधना हो गई। वो जो लोग मांस का भक्षण करते हैं
तो क्या ऐसे ही लोगों ने तंत्र को दूषित कर दिया? बड़ी बड़ी तंत्र के बारे में भ्रांति हो गई है, कुछ लोग काले भगवा वस्त्र पहन लेते हैं, काले पीले तिलक कर लेते हैं, मुंडों की माला ले ली, वो घूमते फिरते हैं, शराब दे देंगे, गाली गलौज करते हैं, वो तंत्र मार्गी नहीं है। आम जनता में कुछ इस तरह की भयानक भ्रांतियां व्याप्त हैं कि अघोरी साधक शमशान में गुप्त रूप से स्त्री लाशों के साथ संभोग करते हैं, जिसके लिए वो सुनसान शमशान में लावारिश मुर्दों का इंतजार करते हैं। चाहे इसके लिए उन्हें वर्षों तक का समय क्यों न लग जाए, मगर जैसे ही कोई मुर्दा उनके हाथ लगा, बस उनकी भयानक क्रिया शुरू हो जाती है। जो नर मांस खाते हैं, जो मद का मूत्र सेवन करते हैं, वो भूत प्रेत की साधना करते हैं, तो हमारे बाम मार्ग में उसका वो निषेध है। बाम मार्ग में जितना भी हमारा तंत्र मार्ग है उसमें निषेध बतलाया है। वो यक्षिणी जो पिशाचिनी होती है, भूत प्रेत, ऐसे साधक केवल एक अलौकिक चमत्कार करते हैं, जो भूतकाल है उसका वो बखान कर सकते हैं, भविष्य के बारे में कुछ नहीं बतला सकते, कुछ क्रिया सिद्धि उनके पास नहीं होती, खाली वो आपका भूत बतला देंगे। और पर क्या है कि सबसे बड़ा दुर्भाग्यशाली उसमें क्या होता है, वो साधक जब उसका अंत समय होता है, जब वो मरता है, तो उसी योनि में जाता है। वो जो जिसकी साधना करेगा उसी योनि में चला जाएगा। ऐसे साधक का जो अंत होता है वो बहुत बहुत ही कठिन, बहुत ही उसको कहेंगे दुर्भाग्यशाली होता है जब मरता है। उसमें मैंने ऐसे कई साधक देखे हैं जो इस तरह की साधनाएं किए हुए थे, उनमें कीड़े पड़ के मरते हैं। वाम मार्ग अथवा अघोर तंत्र का संबंध सीधा सीधा भगवान शिव और आदिशक्ति से है, और आदिशक्ति के उसी एक अनुष्ठान में अब हम शामिल थे, जिसे कौमारी तंत्र के नाम से भी जाना जाता है। मातृसत्ता के प्रतीक इस शक्तिपीठ में कौमारी पूजन का विशेष महत्व है, शायद इसलिए कि बच्चों को, छोटी बच्चियों को यहाँ देवी का स्वरूप माना जाता है। कुमारी और कौमारी में एक मूलभूत अंतर ये है कि कुमारी का मतलब होता है जिस युवती अथवा स्त्री का विवाह न हुआ हो, और कौमारी का अर्थ ये है कि जो कन्या ऋतुमती न हुई हो। इस लिहाज से 9 वर्ष तक की कन्याओं को माँ कामाख्या का स्वरूप मानकर कलिकाल में पूजा की जाती है। कन्याओं की ये उम्र सतयुग काल में 16 वर्ष तक थी, जो कालांतर में धीरे धीरे कम होती गई। आदिशक्ति माँ कामाख्या कौमारी ही है, जो हर वर्ष अपनी असीम शक्ति से धरा का नव सृजन करती है। यही वजह है कि माँ कामाख्या के उस सिद्ध पीठ पर साधक सिद्धियों की प्राप्ति के लिए हाजिरी देते हैं। तो क्या वाम मार्ग में स्त्रियों को विशेष दर्जा प्राप्त है? तो ये भारत भूमि है जो मात्र सत्ता आदि काल से ही भगवती स्वरूपनी दुर्गा, और प्रकृति भी दुर्गा स्वरूपनी है, तो हमारे यहाँ जो स्त्री का स्वरूप है मात्र सत्ता, उसको साक्षात इस धरती के ऊपर भगवती का स्वरूप माना गया है। तो इसमें वाम मार्ग में तो कहीं स्त्री के निरादर की कोई बात ही नहीं है, उसका निरादर करना तो बहुत दूर, उसके बारे में मन में अवधारणा बनाने घोर पाप लिखा है। तो लिखा है कि वाम मार्ग से भ्रष्ट हो जाएगा, और वाम मार्ग में सबसे बड़ी चीज जो है काम के ऊपर विजय। तो जो व्यक्ति काम से मुक्त हो गया, काम के नियंत्रण में हो गया, उसके काम नियंत्रण में हो गया, तो उसके लिए आप समझे कि क्या हो गया वो। नटी कपालिका वेश्या रज की ना पितांगना, ब्राह्मणी शूद्र कन्या च तथा गोपाल कन्या का,
मालाकारस्य कन्या च नवकन्या प्रकीर्तिता। वाम मार्ग में नव दुर्गा स्वरूप नव कुल कन्याओं की उत्कृष्ट मान्यता है।